को सबसे घर पटोल रहा है। कौन सा राउंड है? दसवां। अब कहाँ जाना है? ऐसा लग रहा है जैसे खरगोश के बच्चे होते ना, ऐसे ही लग रहे हैं दोनों। देखो उत्तराखंड का वाद्य यंत्र डोंर। सो हेलो यार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल भी पहाड़ी ब्लॉग पर। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 7:30 बजे से, और यार आज ड्यूटी लगी हुई है भाई। ड्यूटी कहाँ की लगी हुई है, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने बताया था किसी की गौशाला के लिए और हमारे घर की छत के लिए पठाल आ रखी है, जो कि हम लेकर आ चुके थे, और जिनकी गौशाला की पठाल थी वो वहीं पर थी। तो मैंने कहा था वो बौला लगाएंगे। बौला मतलब जब कोई गाँव वालों को हेल्प करने के लिए बुलाता है गाँव में तो उसे बोलते हैं बौला। तो जिनकी गौशाला बन रही है उनका बौला है, और उन पठाल को ले जाने के लिए 25 से 30 लोगों को बोल रखा है। तो फिलहाल यार मेरी तैयारी भी है वहीं जाने की, लोग तो भाई लेकर भी आ चुके हैं एक एक राउंड। फिलहाल तो मैं भी चलता हूँ यार, करते हैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू। इधर जा रहा है छोटू? छोटू बोल रहा है आज फूल देने का त्योहार है, और कोई बोल रहा है आज नहीं है। बल क्या लेकर जा रहा है तू? फूल और चूहा। चूहा कहाँ कहाँ गया अभी मांगने? कंफ्यूज हो गया तू अभी कि है कि नहीं है? तो ऐसा सीन हो रहा है यार आज की, कोई बोल रहा है आज है, कोई बोल रहा है कल है, सब कंफ्यूज हो रखे हैं। तो कुछ बच्चे तो जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। सो ये देखो यार यहाँ पर रखी हुई है पठाल, और हमने भी लगा लिया अपने अपने लिए। और भाई साहब लोग तो सुबह से लग गए भाई, और हमारे जब्बू जुल्फिकार भाई भी आ गए ऊपर से। तो फाइनली यार दोस्तों दो दो राउंड लेकर आ चुके हैं भाई, 40-50 किलो की हो रही है भाई एक पठाल। और अब जब्बू भाई हाँ। चाय पिएगा? चाय पियेंगे भाई, चाय पे टूटी लवर भी पहाड़ी। तो अब चाय चुई पीते हैं, नाश्ता करते हैं यहाँ पर, उसके बाद चलते हैं दो दो राउंड और लेके आना भी। तो ये देखो यहाँ पर कर रहे हैं लोग नाश्ता, दो दो तीन तीन राउंड लेकर आ चुके हैं भाई लोग। रोटी सब्जी वगैरह यहाँ पर रखी हुई है, और दिन का भात यहाँ पर बन रहा है। दादाजी कारीगर भात बनाने पे लगे हुए हैं, और पहले हाथ मुँह धो लेते हैं यार, फिर करते हैं नाश्ता। ककनी तू मैं कुछ हो मैं खैर दल कलर। ये भाई सब्जी की पत्ते यहाँ पर रखे हुए, रोटियाँ पूरे सब्जी लगा रखी है। सो फाइनली यार दोस्तों नाश्ता वगैरह भी हो चुका है, फिर से निकल गए हम लोग पठाल लेने। और हमारे आफत भैया जी भाई साहब, कौन सा राउंड है? दसवां। अब कहाँ जाना है? फुल बुटली मनाने। खतरनाक आदमी है भाई, सुबह से सबसे पहले से लगे हुए हैं भाई। चौथा राउंड है इनका, मेरे हिसाब से लास्ट राउंड होगा शायद, और हमारा है तीसरा राउंड भाई, इसके बाद हमारा भी लास्ट राउंड होगा शायद, अगर बचेंगे नहीं वहाँ पर। तो फिलहाल तो चलते हैं जुल्फिकार। मजा आ रहा है कि गल में आ रही है यार, कि गल में आ रहा है। गल में आ रही है बल भाई, जब्बू जुल्फिकार की धूप लगी पड़ी है इधर, धूप से हो रही है यार हालत खराब, धूप से बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है वैसे, पर यहाँ धूप से अंधेरा भी आ रहा है भाई पीछे। ये तीखी वाली धूप लगी है ना, तीखी वाली अच्छी वाली धूप कहाँ लगी है? हवा आती ना ठंडी ठंडी माउंट एवरेस्ट चट्टा करके, पसीना भी खतरनाक हो रहा है भाई। फिलहाल चलते हैं, करते हैं आज का ब्लॉग कंटिन्यू। तो फाइनली यार दोस्तों सारी पठाल आ चुकी है इनकी गौशाला के पास में, और जो गौशाला बन रही थी ना वही रही है। देखो इस गौशाला के लिए सारी पठाल ला रखी है भाई, वो भी सीधे रामनगर से। जब और मैं अभी आ रहे हैं जस्ट तीसरा राउंड लेके, तीन तीन राउंड के लगभग सबने, कोई कोई होगा जिनने चार राउंड मारे। देखो गाँव में ज़्यादातर गौशालाएँ पत्थरों की बनती है, लेकिन धीरे धीरे लोग अब पठाल ला रहे हैं रामनगर से, तो ईंट भी लाना शुरू कर देंगे भाई मेरे हिसाब से। तो यार दिन का खाना भी स्टार्ट हो चुका है, और अंदर बैठ रखे हैं लोग जो कि दिख नहीं रहे भाई, अभी लड़के लोग भी लेकर आ चुके हैं, मतलब लगभग सारी पठाल आ चुकी है।
तो अभी यार दोस्तों हम लोग आ रखे हैं भाई जब्बू जुल्फिकार के रूम पे। इस रूम पे फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम पे आ रहा हूँ भाई। जब्बू भाई की हवेली पे आ रखे हैं, तो दिखाते हैं आप लोगों को जब्बू भाई की। ये रही भाई जब्बू की हवेली। हवेली क्या, जब्बू का रूम है देखो। और ये ऊपर देखो भाई, उसने वो भी रखा हुआ है वहाँ, क्या बोलते इसके लिए, उत्तराखंड का वाद्य यंत्र डॉन। इसे ही सीखता रहता है आजकल, इसी की प्रैक्टिस कर रहा है वो भाई आजकल। भागवत की वो भी रखी हुई इसने पूरी, देखो ग्रंथ, भागवत की ग्रंथ। ये कौन सी ग्रंथ है जो हाथ पे पकड़ रखी है, ये तो उसने रट्टू ग्रंथ। खतरनाक आदमी है यार जब वो भाई, देखो सब चीज रखा है भाई उसने। तो अभी यहाँ पर ये देखो भाई, कुत्ते के बच्चे किसको चाहिए, ये देखो भाई कितने क्यूट हैं ये देखो। तो ये तो एक मैं लेकर जाने वाला हूँ भाई, ये वाला मैं लेकर जाने वाला हूँ। वैसे दोनों मस्त हैं यार देखो भाई साहब। किसको चाहिए भाई, एक तो मैं रखने वाला हूँ, दूसरा किसी को चाहिए तो बताना भाई। अभी छोटे हैं ना यार, बहुत छोटे हैं अभी, ऐसा लग रहा है जैसे खरगोश के बच्चे होते हैं ना, ऐसे ही लग रहे हैं दोनों देखो। सो अभी यार दोस्तों शाम के 3 हो चुका है, टाइम 3 हो चुका है। हाँ यार करंट 3 बज रहे हैं भाई, आज मैंने फ़ोन भी नहीं देखा, ऐसे ही गैस किया तो 3 ही बज रहे हैं, करंट 3 हो रहा है अभी। टाइम 3:01 हो चुका है। तो अभी मैं यार ब्लॉग एडिट करने पे लगा हुआ था थोड़ी देर पहले, यार मैंने कहा आराम करता हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ एक आधा घंटा, लेकिन नींद नहीं आई तो मैंने कहा ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ। तो अभी मेरा ब्लॉग पूरा तो एडिट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत एडिट हो चुका है। और शाम को यार यहाँ पड़ोस में चाचा जी ने बोल रखा है कि भाई अरसे कूटने, बल अरसे नहीं चावल कूटने, चावल बिगा रखे होंगे उन्होंने अरसे बनाने के लिए, तो उनकी कुटाई करनी है और उसके बाद अरसे वगैरह बनाने हैं। तो फिलहाल यार मैं अभी चाय जी पीता हूँ और उसके बाद ब्लॉग कंप्लीट एडिट कर लेता हूँ, और उसके बाद जाएंगे उनके घर पे चावल कूटने। तो फिलहाल तो ब्लॉग एडिट करता हूँ, करते हैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू। सो भाई अभी यार भाई तगड़ी ओलावारी हो रही है भाई, ये देखो भाई बारिश नहीं आ रही, उतनी जितनी ओले गिर रहे हैं ये देखो, खतरनाक। अचानक भाई अभी हम लोग यहाँ पर बाहर पे लेटे हुए थे, कड़क वाली धूप लगी हुई थी, अभी देखो तगड़े ओले गिरने लग गए भाई साहब, खतरनाक बारिश भाई। आजकल का सीजन ही कुछ ऐसा है ना, कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं भाई। तो भाई अभी यार और खतरनाक मौसम हो गया, ये देखो तगड़ी वाली बारिश आ रही है, ऊपर से भाई आसमान इतना खतरनाक गरज रहा है ना, बिजली चमक रही है भाई। आजकल का जो बारिश का सीजन होता है ना भाई, उस सीजन में एक चीज का डर होता है भाई खतरनाक वाला, आजकल ना बजूर पड़ता है। बजूर किससे बोलते हैं हम लोग, जैसे आसमानी बिजली गिरती है ना किसी पेड़ पर या किसी खंभे पर, उसे पहाड़ी लोग बजूर बोलते हैं, गाँव के लोग, हमारे इस साइड के लोग तो बजूर बोलते हैं, बाकी अदर साइड के तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। लेकिन वही वाला सीन हो रखा है अभी, खतरनाक बारिश हो रही है, प्लस भाई आसमान गरज रहा है और बिजली चमक रही है भाई अभी, जबकि पता टाइम 4 हो रहा है, लेकिन अभी देखो ऐसा लग रहा है शाम के 6-7 हो गया होगा टाइम। ये देखो ये आवाजें देखो जरा आसमान की। तो यार दोस्तों अभी बड़ी मुश्किल से बारिश बंद हुई और हम लोग लग गए भाई चावल कूटने पे। मैंने कहा था कि शाम को चावल कूटने हैं अरसे बनाने के लिए। तो ये देखो जब्बू जुल्फिकार भाई, जब्बू जुल्फिकार लगा हुआ है भाई, फूका हुआ आशिक, फुका हुआ आशिक, दिल जले आशिक फुका हुआ आशिक भाई। सो हमने सोचा था यार मुश्किल से बारिश बंद हो पाएगी, इसलिए हमने प्लान कैंसिल कर लिया था चावल कूटने का, लेकिन अचानक से बारिश बंद हो गई। देखो इस साइड से आसमान साफ हो गया भाई, उस साइड से तो बारिश अभी भी आ रही है। तो अब कूटते हैं इन चावलों को, निपटाते हैं भाई इन्हें भी, फिर अरसे खाएंगे चाय के साथ। क्यों अमन सिंह, हेलो गाइस बोलती, हेलो गाइस बोलती, बोलने यार अमन बोल। सो फाइनली यार दोस्तों अभी चावल की कुटाई भी कर ली हम लोगों ने, और इसके बाद उनके घर पे पाको बन रहा होगा अभी, मतलब वो गुड़ को पका रहे होंगे, उसके बाद डालते हैं उसमें चावल। जैसे कि मैंने बहुत सारे ब्लॉग में आप लोगों को बताई रखा है यार कि पहाड़ी अरसे, पहाड़ी मिठाई अर्थात अरसे कैसे बनते हैं। तो अब आगे की प्रोसेस चल रही होगी उनके घर पे। फिलहाल मैं घर पे आ चुका हूँ, अब रोटी खाऊंगा और फिर से लग जाऊंगा भाई ब्लॉग एडिट करने पे। उसके बाद शायद मैं भी जा सकता हूँ ऊपर अरसे बनाने, और ये वाला ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा बी पहाड़ी का। तो अगर आप लोग बी पहाड़ी के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अगर आप लोग पुराने हो तो लाइक करना, कमेंट करना, दबा के शेयर करना। और मैं इसी टाइप से आप लोगों को मिलता हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वेट कीजिए बी पहाड़ी के नेक्स्ट ब्लॉग का। टाटा, गुड बाय एंड गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।